उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ऐसा हादसा हुआ जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक मकान के ठीक पीछे लगा 200 वर्ष पुराना नीम का पेड़ गिर गया। आपको बता दें कि देवी के रूप में माने जाने वाले सालों पुराने नीम के पेड़ की पूजा विधिवत तरीके से रोजाना की जाती रही है, लेकिन 200 साल पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया जिससे मकान के अंदर सो रहे जगपाल सहित 5 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में गाँव वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। देख ले। दो मकान है, कैसे क्या पेड़ गिरा बता सकते हो साहब? सवेरे 5 बजे गिरो, हम यहाँ से चारा खंड के वो भैंसिया वहाँ बनती वहाँ गए थे, बस इतना मतलब वहाँ से बैठते ऊपर से कनाई झुके, हम चिल्लाने लगे वहाँ से। तो आप लोग साफ बच गए? जब 5 बजे भैया बहुत लेटे थे, सवेरे को टाइम हुआ तो तब वही सब जने दबी गए, हम बैठे रह गए, वही 5 जने पौड़े हते तब 5 बजे को टाइम हो। तो कैसे क्या ये पेड़ गिरा कुछ बता सकते हैं आप? जब कछु भैया हमने जानी ही नहीं है गिरे, तो हम बैठे ही रह गए, हमें न मालूम वो हमारे ट्रेन खटकी थे, हमने कहते बंदर लड़ी परे बस, और सब चिल्लाई लगे गांव वाले दबी गए तो उनने सबने निखारो भाई। तो ये जो स्थान यहाँ पे है क्या यहाँ पे पूजा वूजा होती थी क्या? जब दुई सही बस के ऊपर भाई नहीं बा जी, जो जो यहाँ पे आप खड़ी हैं यहाँ पे देवी का स्थान है, तो इसकी क्या आप लोग पूजा करते हैं? हाँ पूजा करते थे भैया, हम बड़े उजेठ मेरे करते थे, हम नव दुर्गा बत्ते रहे, मेरो लल्ला बोते हमने छोड़ी दिया बनाई करता हम पूजा। अच्छा भी के कांट क्षेत्र में पेड़ गिरने से मकान गिरने से कोई हादसा हुआ है जिसमें कितने लोग घायल हैं कुछ बता सकते हैं? हमारे पास हरिराम नाम के पेशेंट आए हुए हैं कांट से, घायल अवस्था में है, उनका भर्ती करके इलाज चल रहा है। तो पोजिशन कैसी है उनकी? हाँ अभी स्थिर है। कितने लोग दब गए उसके नीचे? 5 लोग है। 5 लोग हाँ। तो वहाँ पे आपका मकान और कितने मकान वहाँ पे गिर गए हैं? वहाँ मकान एक हमारा, हमारे छोटे एक जने उनको, और एक जने और दो जने और हैं, बिल्कुल हमारे मकान।